परिचय, नाम नीलेन मानिकपुरी, ये बिजनेस का स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट पद में ही रहना चाहता हूँ, सीखने के पद में। इस बिजनेस में आने से पहले बहुत सारे काम कर रहा था। मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग का मैंने काम किया, बात वहाँ ना बनी। फिर मैं लाइफ में बहुत सुनना चाहता था जो मुझे टॉर्चर करे। किसी ने कहा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम करें, औरों का मैं बिजनेस किया, वहाँ बात नहीं बनी, वहाँ भी मेरा बॉस था। फिर आगे मैंने जॉब भी किया, बजाज लाइफ इंश्योरेंस में मैंने जॉब किया, 25-30 हज़ार महीने की इनकम, लेकिन बॉस नहीं चाहता था कि मुझे टॉर्चर करे। फिर आगे मैंने बताया, किसी ने बताया बहुत सारा पैसा लगाओ मार्केट में और एक चेयर लगा के बैठ जाओ। मैंने होलसेल पेपर का बिजनेस किया जिसमें बहुत माइनस में चला गया था। मैं पूरी तरह टूट चुका था और मुझे समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ। इसी दौरान में एक सेल्स का मेरे पास फ़ोन आया, वो कोई और नहीं, हमारे अल्ट्रॉस इंटरप्राइज लिमिटेड के सम्राट हैं आदरणीय घनश्याम सर का। घनश्याम सर के पास मैं गया क्योंकि मैं परेशान था, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ लाइफ में कुछ रास्ते चाहिए, मुझे अवसर चाहिए, अवसर नहीं मिल रहा था, परेशान था मैं। सुबह सुबह गया, सर से मेरी पुरानी पहचान थी, तो सर के सामने बैठा था। वो मुझे याद अच्छी तरह, सर ने मुझे 2 सवाल किए और 2 सवाल ने मुझे यहाँ तक खींच लिया है। पहले बोले, नीलेन भाई आप कितनी इनकम करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी कहानी से मैं सवाल करना चाहूँगा, आप जो भी इनकम करते हैं उसमें 0 कब तक लगेगा? अगर मैं उस ज़माने में 10 हज़ार कमाता था मतलब 1 0 1 लाख, अगर 20 हज़ार कमाता था 1 0 मतलब 2 लाख। मैंने बोला, सर मैं कितना भी ताकत लाऊँ, जो अभी वर्तमान में काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसमें जा पाऊँ और मैं आज माइनस में हूँ। फिर सर ने दूसरी सवाल मुझे बोला, लेकिन भाई आप अभी एनर्जेटिक है, यंग है, ताकत है, आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर 40 के बाद आपके साथ 2 कहानी होगी। पहला, आपकी एनर्जी लेवल कम होता जाएगा, आपके घर में 2 काम होंगे, एक आपके बच्चे बड़े होने चालू हो जाएंगे और आपके माँ बाप बुजुर्ग होना चालू हो जाएंगे, उस समय आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए क्या प्लानिंग है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं फिर बोला, सर मैं क्या करूँ? तो उन्होंने दुनिया का बहुत बेहतरीन, दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया और दुनिया का सबसे ताकतवर औषधि आयुर्वेद के बारे में बताया और दोनों का संगम का यह अल्ट्रॉस इंटरप्राइज लिमिटेड में है। मैंने सर की बातों को माना, मैंने बोला सर मैं क्या करूं? तो सर ने मुझे उस समय में, जिस समय मेरे गया था आज से करीब 6-7 साल पहले की बात है, तो सर ने मुझे ज्वाइनिंग कराया था और उस समय एरोप्लेक्स था क्योंकि मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम था, जलन होता था। मैंने बोला सर ये प्रोडक्ट है, लाइफ में पहली बार आपने आयुर्वेद का सामना हो रहा है, कुछ किसी को दिया कुछ हो जाएगा। तो घनश्याम सर बोले कि नीलेन भाई आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इतना गारंटी दे सकता हूँ इसे खाने से कोई मरेगा नहीं, क्योंकि इसमें 11 प्रकार जड़ी बूटी, उसमें अश्वगंधा, सतावरी, सफेद मुसली, शिलाजीत, द्राक्षा, गुलाब फूल, बहरा, आंवला है और GMP सर्टिफाइड है। मैंने उसको यूज़ किया, अगर सर मेरा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा तो उसको दिल लगा के करेंगे। आप यकीन नहीं, मैंने सर उसमें 30 कैप्सूल रहता है, एक सुबह शाम खाना रहता है, वो दिन है और आज का दिन, आज भी मेरे पेट में एरोप्लेक्स और स्पाइरुला गेनोडर्मा है। पिछले 5 साल से मैं लगातार एरोप्लेक्स को खा रहा हूँ और आज मैं प्रॉब्लम कब सॉल्व हो मुझे पता नहीं। मैंने इसको जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मैंने बोला सर मैं क्या करूँ? सर ने बोला कि इस बिज़नेस को आपको सीरियसली करना पड़ेगा। बोले क्या करूँ? बोले 10 हज़ार बिजनेस सुन लूँ। मैंने 10 हज़ार बिजनेस सोलूम से शुरुआत नहीं की, मैं 1 लाख वॉल्यूम से शुरुआत किया। इसी समय उसका बेमेतरा में मैंने सेंटर डाला क्योंकि मुझे लाइफ में बड़ा करना था। सर ने बोला कि 2 होम मीटिंग, मैं वो अच्छी तरह से वो दिन मुझे याद है जब मैंने घर में 25 लोगों को बुलाया था, सर मेरे घर आए थे और याद राम यादव जी सर बैठ के प्लान दिखाए थे, 25 लोग मैं अपने पूरे रिलेशन दोस्त यार को बुलाया था, उस 25 लोगों में एक व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया। अब आप सोच सकते मैं कौन नंबर बैठ रहा हूँ। फिर सर ने एक मीटिंग किया, फिर दूसरा हमने बोला सर कि 2 सिस्टम बोलते हैं, 2 होम मीटिंग। फिर मैं उसी दिन तुरंत गया, मैं कुछ मेरे पुराने साथी थे घंटे में, मैंने वहाँ गया, वहाँ प्लान हुई, फिर कुछ वहाँ भी कोई ज्वाइन नहीं आया। सर ने बोला कि सही आप जा रहे हो, सही शुरुआत है आपकी, इसी में लगातार सोता प्लान। सर ने मुझे प्लान दिखाया, उस प्लान को मैंने कॉपी किया और वो प्लान लगातार मैं दिखाता, सोता प्लान मेरा फेवरेट पॉइंट है, लगातार मैंने प्लान दिखाया। होम मीटिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है, आज भी लगातार मैं प्लान दिखाता हूँ, लगातार होम मीटिंग 100% प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ मैं,
10,000 बिजनेस सैलून का प्रोडक्ट मैं अपने शरीर में खर्च करता हूँ, अपने शरीर में। मैं अगर ऑटो सेंटर बाय लिमिटेड का 2 प्रोडक्ट को छोड़कर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसको मैंने प्रश्न लिखा है, सिर्फ वीगर और ओरिगन एक्टी को छोड़ दें, क्योंकि बाकी ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसको मैंने पहले यूज नहीं किया, 100% प्रोडक्ट यूज किया मैंने लगातार। संगत में रहा, लगातार बुक पढ़ा, कैसेट सुना, माहौल में रहा, राम मंदिर मैंने कभी मिस नहीं किया। इसका नतीजा है आपके सामने होंगे। अचीवमेंट की बात करें, टोटल इनकम 50 लाख से प्लस। फर्स्ट टाइम जो आए नए साथी उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप में मुझ में क्या फ़र्क है? आप में मुझे कोई फ़र्क नहीं। आप भी नहाते हो, मैं भी नहाता हूँ। आप भी चाय पीते हो, मैं भी चाय पीता हूँ। आपके घर में हल्दी मिर्चा धनिया यूज होता है, मेरे घर में धनिया यूज होता है। आपके घर में शैम्पू यूज होता है, मेरे घर में शैम्पू यूज होता है। फ़र्क ये है, या आप मार्केट से लेते हो, मैं अल्ट्रॉस इंटरप्राइज लिमिटेड से लेता हूँ, यही फ़र्क है। मैसेज के रूप में मैं देना चाहता हूँ कि अवसर मेरे लाइफ में, अवसर आया तो आप उसे पहचाने। प्रार्थना करें कि अवसर आया तो उसे पहचान लें। मेरे पास अवसर आया था, आदरणीय गुरुदेव बैठे हैं, मैं आज राज की बात आपको अफसोस बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा ड्रीम था सर ये क्राउन अम्बेसडर पहुँचूंगा, दिन बात रखूंगा। जब उस समय स्ट्रगल का दौर चल रहा था, मुझे याद है सर आप मुझे कॉल किए थे, आदरणीय गुरुदेव हमारी कंपनी ब्रांड अम्बेसडर आदरणीय रजत सर मुझे कॉल किए थे, लीलिन भाई एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हम मिलकर करते हैं। मैंने उस अवसर को पहचाना नहीं, मैंने 6 से 7 महीने लगाए हैं, इसलिए मुझे लेट हुआ। काश उसमें पहचान होते इससे पहले आ जाता मैं। सर ने मुझे बताया कि करते हैं, मिलके करते हैं, मैंने उसको फ्लैट नहीं लिया। सर उड़ीसा में रहते हैं, मैं छत्तीसगढ़ में, कैसे होगा, मैंने उसको सिलसिले नहीं लिया। लेकिन 6 महीने बाद मुझे बिजनेस में आदरणीय घनश्याम सर से उसने मुझे सारे कुछ सिस्टम बताया और उसने मुझे बिजनेस दिया। लेकिन बिजनेस में पाल पोस के जो मुझे बड़ा कर रहे हैं, पूरा 100% उनका सपोर्ट होता है हर पल मुझे। आज अगर हमने बहुत बड़ी पेन निकाली है तो सर का पूरा मार्गदर्शन है। हमारे आदरणीय अरविंद शर्मा सर, नमन करना चाहूँगा सर आपसे, हर बार पग पग मुझे सहयोग किया आपने, हर बार मुझे जब जब मैं हताश निराश हुआ, लीलिन भाई आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, मुझे मोटिवेट करते गए। मेरी टीम के साथ काउंसलिंग, जब जब मैं जूम मीटिंग हुआ, हर बार मुझे हेल्प किए और लगातार मेरे मुझे संपर्क सपोर्ट करते, आप कर सकते हो, कर सकते हो, उसका नतीजा है। उमर सर मुझे सपोर्ट किए ऐसे समय में, सर मुझे याद है सर आप होली के दिन सर मेरे घर में आए थे, जो सारा जमाना होली मान रहा था, सर मेरे साथ प्लान दिखाने आए थे, वो भी बस में, जब बस में आए थे बैग लेके सर, हर उस समय जिस समय में सर आपको फर्स्ट टाइम देखा उस समय इतना एनर्जी, शायद इसलिए सर आपको पावर स्टेशन बोलते हैं। मैं दिल से बोल रहा हूँ सर, जब फर्स्ट टाइम मिला सर उतना एनर्जी और आज भी उतना एनर्जी है सर, इतना सानिध्य सर, प्यार मिला सर। आपका कैसेट जो आपने कटक में जो प्रोग्राम आप बताए थे सर, आपका वो 5 मिनट कैसेट मैं कभी नहीं बोलता, इसीलिए शायद सबसे ज़्यादा एक दिन में लगातार 11 प्लान दिखाए। जो व्यक्ति मुझे लेके गया था प्लान दिखाने के लिए, वो दूसरे दिन बिस्तर में था, मैं लगातार प्लान दिखा। मेरा फेवरेट सोदा प्लान और आपके कैसेट सर कटक में, आपने बोला था अगर एक सफल कामयाब होना तो एक ही मंत्र है, लगातार प्लान, सोदा 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 प्लान। वो कटक में मैं सर उस समय मैं डायमंड था, उस समय एमराल्ड हुआ करता था। मैंने इस बात को रखा, लगातार प्लान दिखा, लगातार सोदा प्लान, सोदा होम मीटिंग टीम में रहते के व्यक्ति को बात करते करते यहाँ पे आया। तो ये बेसिक अवसर हमें मुझे मिला था, लेकिन मैंने संभाल नहीं पाया। धैर्य की बात करूँ तो मैंने लगातार काम किया, क्या किया, मैं फर्स्ट पिन अचीव हुआ, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। मैं अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहली बार जब डायमंड बना तो मुझे सिर्फ 3 बातें बोले, नाम, बैक प्रोफेशन, इनकम। फिर मेहनत किया, मैंने 6 महीने लगा, फिर मेहनत किया, ब्लू डायमंड गया। ब्लू डायमंड में भी 3 ही बात बोलना पड़ा, नाम, बैक प्रोफेशन, बड़ी इनकम। फिर गया, भागा भागा भागा, मैं रॉयल डायमंड गया, रॉयल डायमंड बोले 3 ही, पेशेंस, धैर्य, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। फिर आया रॉयल ब्लैक डायमंड, नहीं बना, सीधा रॉयल क्राउन गया, मुझे बोलने का मौका, आपको इतना धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ये माहौल, आपको खाना भी है, भूख भी है, लेकिन खाने की इजाज़त नहीं है। Yes, sir. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसी चीज़ ने मुझे देखा कि अब ऐसा दिन आएगा, हर व्यक्ति खौफ होता है कि मैं बोलूं और जमाना सुने, ये खाब अल्ट्रॉस इंटरप्राइज लिमिटेड पूरा कर सकता है।
आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपकी बारी है। मेरे गुरुदेव बोलते हर व्यक्ति में होते हैं दो चार आदमी जिसको भी देखना कई बार देखना। आपके अंदर हर चीज़ काबिलियत है, आपको मौके मिलेगा पेशेंस रखना। मैं पेशेंस रखा लगातार 6 साल से 10 लगातार पेशेंस रखा, जिसका नतीजा है और सब गुरुदेव का आशीर्वाद रहा मुझ में, लगातार मुझे प्यार करते हैं। अल्टोस अकेडमी का आशीर्वाद रहा, इसलिए हमने बड़ा अचीवमेंट किया, जिसमें सर अरविंद शर्मा का बहुत बड़ा प्लेयर रोल पे रहा। क्योंकि पिछले जुलाई में हमने सर का अपडेट लिया, सर आपको याद होगा, बेहतरीन प्रोग्राम। मैंने पर्सनल अपने टीम से 150 लोगों को बैठाया था और पूरी प्लानिंग की, और हमने सर के मार्गदर्शन में हम लोग पंजाब ट्रिप गए। मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ कि बिलीव लेवल क्या होता है। जब मैंने सर से मिला, जो मुझे याद है सर फर्स्ट टाइम घनश्याम सर से मिला, उस समय मैंने नपरोडे के बाद नॉलेज था ना, मैंने लुधियाना पंजाब में 6-7 साल हो गए बिजनेस करते, कभी लुधियाना पंजाब नहीं गया था। जब सर के सरल स्वभाव ने मुझे यहाँ तक खींच लाया, तो आप तो सोचिए, जब मैं नहीं देखा था तो यहाँ तक आ गया, अब तो मैंने अपनी आँखों से देख लिया है, मैंने उस कंपनी को देख लिया है। हमारे कंपनी के MD सर से मिल चुका हूँ, जो इतने सरल स्वभाव के, मैं बता सकता हूँ कि वाकई में अगर कोई देवदूत है तो वही है। इतना नेचुरल सरल स्वभाव, ईगो रही थी ऐसे हमारे MD, मुझे गर्व होता है कि हम ऐसे पालनहार के हाथ में हम लोग हैं। तो 100% कामयाबी निश्चित है। मैंने पूरा पंजाब